इस वक्त आपके स्क्रीन पर यह बड़ी और अहम खबर। तो कुशीनगर देखिए, फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं, यह बड़ी जानकारी है। बीजेपी प्रत्याशी ने 45,023 वोटों से हरा दिया है। अब हार का भी अंतर आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में, और उनके साथ आपने देखा था कि 11 और विधायक जो कि चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ में, और बड़े दावे स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे। आप याद करिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे तो उस समय क्या दावा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया था, लेकिन अपनी सीट वो खुद नहीं बचा पाए। और उसके बाद आप देखिए फाजिल नगर वो पहुंचते हैं और वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा है, और वो भी बड़ी हार है। 45,000 से ज्यादा वोटों से हार यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को हुई है। तो फाजिल नगर की सीट स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, ये बहुत अहम जानकारी है और बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट हारी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, लेकिन इसके अब अलग अलग तरीके के जो मायने हैं वो भी निकाले जाएंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे बिरादरी का वोट बैंक शिफ्ट कराने की बात को कह रहे थे, लेकिन अपनी सीट वो खुद नहीं बचा पाए हैं। ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सीट को देखिए 45,025 वोटों से हार चुके हैं, ये बड़ी जानकारी है।